हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी लेंगे। अब इसमें 1 कप बारीक कटी हुई कैरेट डालेंगे और 1/2 कप बीन्स डालेंगे बारीक कटी हुई, 1/2 कप अनियन बारीक कटा हुआ और 1/2 टीस्पून गार्लिक डालेंगे बारीक कटा हुआ और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकती हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून किचन किंग डालेंगे। इसमें रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट लाने के लिए आप इसमें गर्म मसाला भी डाल सकती हैं। अब इसमें हम 1/2 कप मैदा डालेंगे और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें क्रंचीनेस लाने के लिए। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है, इसमें सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है जिससे खुद ब खुद ये बाइंड हो जाएंगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रहनी चाहिए, थोड़ी सी फ्लोई। अब हम इससे छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो बॉल्स आप छोटी या बड़ी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हाथों से दबाते हुए ऐसे राउंड बॉल बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अब एक पैन में ऑयल लेंगे और इसको मीडियम हॉट गर्म करेंगे और इसमें सभी बॉल्स हम डालते जाएंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने हल्के हाथों से टर्न करना है सभी बॉल्स को। एक साइड इसकी अच्छी तरह से सिक चुकी है, इसी तरह से इसे दोनों साइड में सेक लेंगे। तो देखिए हमारी बॉल्स बनकर रेडी हैं। इसको हम प्लेट में टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। इसी तरह से बाकी की बॉल्स भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारी सभी मंचूरियन बॉल्स बनकर रेडी हैं। अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो 1 टीस्पून ऑयल लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए सौते कर लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ 1/2 टीस्पून अदरक डालेंगे और 2 ग्रीन चिलीज डालेंगे बारीक कटी हुई और इसको भी अच्छे से चलाते हुए सौते करेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी मोटी कटी हुई 1 शिमला मिर्च डालेंगे और 1 प्याज डालेंगे। इसके भी हमने सभी शेल्स जो हैं वो अलग अलग कर लिए हैं। इसको भी अच्छे से चलाते हुए सौते कर लेंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़ा सा क्रंचीनेस बना रहे इतना ही इसको पकाना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने डार्क सोया सॉस यूज़ की है, अगर लाइट सोया सॉस है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा डालेंगे। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून वाइट विनेगर डालेंगे और 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस डालेंगे। इससे इसका जो खट्टापन है वो बैलेंस हो जाता है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे, इससे थोड़ा सा इसमें स्पाइसीनेस आएगा। अगर आप स्पाइसी नहीं चाहते तो इसको अवॉइड कर सकती हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हरे प्याज भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो इसको भी अच्छे से एक बार चला लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सॉल्ट आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी डाली है, उसमें भी सॉल्ट होता है।
तो देखिए हमारी सॉसेस बनकर रेडी हैं। अब इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे और इसको भी अच्छे से एक बार चला लेंगे। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून चीनी डालेंगे इसके खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए और इसको अच्छी तरह से बॉईल आने तक पका लेंगे। हमारी ग्रेवी को थिक करने के लिए हम इसके लिए स्लेरी बनाएंगे, तो 1.5 चम्मच हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसको थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका इस तरह का थिन पेस्ट बना लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए हमारे ग्रेवी में बॉईल आ चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें स्लेरी जो है वो ऐड करते जाएंगे। इसको आपने एक साथ ऐड नहीं करना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो देखिए ये धीरे धीरे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको 2 से 3 बॉयल आने तक अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है और ये थोड़ी सी थिक भी हो चुकी है। अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डालेंगे। इससे थोड़ा सा मंचूरियन बॉल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको भी चला लेंगे और इसको एक बॉयल आने तक पका लेंगे। तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है और इसकी ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो चुकी है, तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारे ग्रेवी मंचूरियन बनकर रेडी हैं। इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी बना है हमारा मंचूरियन ग्रेवी और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर इसे घर पर ट्राई कीजिए और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।